देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ। नागदा जीआरपी थाने और एफएसटी की टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है। रात करीब 10 बजे जयपुर चेन्नई में चेकिंग के दौरान राघव पिता मुरलीधर जयपुर के पास से बेशकीमती नग बरामद किया। नग नगीना की कुल संख्या 153 है, जिसकी कीमत बाजार में 60,000 रुपए बताई जा रही है, जिसमें नीलम के 5 पैकेट, मणि रत्न के 7 पैकेट, पुखराज के 23 पैकेट, पन्ना रत्न के 2 पैकेट, मोती रत्न के 3 पैकेट बरामद किए। वहीं जीआरपी गठित टीम टीआई सुरेश बलराज, उप निरीक्षक केएस डावर, प्रधान आरक्षक शंकर, आरक्षक अरुण, विनोद सुधीर, राजकुमार नरेंद्र मौजूद थे। ट्रेन नंबर जयपुर चेन्नई में मेरे जवान जो है चेकिंग में लगे गए थे, जिससे चेकिंग करते करते कोच नंबर A2 में पहुंचे, जहां पर एक व्यक्ति संदिग्ध हालत में लाल बैग लिए मिला, जिसे पूछताछ किया। पूछताछ में कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, जिस पर फिर उसकी बैग की तलाशी ली। तलाश लेने के दौरान में एक पैकेट में पोखराज के नग कुल 23 और नीलम मणि और मोती, ऐसे कुल मिला के 153 नग जो है निकले, जिसको पूछताछ करते उसने बताया कि मैं जयपुर से सैंपल के लिए यहाँ दिखाने लाया था और जो लेकर वापस जा रहा था। इसकी कीमत कितनी आकी गई अभी तक? इसकी कीमत कुल करीबन 6 लाख के आसपास की होगी, जो FSST पार्टी को खबर करके बुलाई गई और जिसके द्वारा जब्त कर की कार्रवाई कराएगी। आपकी टीम में कितने लोग मौजूद थे और क्या क्या नाम है उनके? टीम में एक मैं स्वयं, उप निरीक्षक केएस डावर और प्रधान आरक्षक रविशंकर और आरक्षक विनोद राठौर, आरक्षक नरेंद्र माहौर, आरक्षक राजकुमार और आरक्षक अरुण सारस्वत और आरक्षक सुधीर जाय के साथ मिलकर ये कार्य। आरोपी का शुभ नाम बताइए। हाँ, आरोपी का नाम है राघव तो नामदेव, पिता चलेगा जाजू निवासी राजस्थान का होना। नागदा से राकेश कानूनगो की रिपोर्ट। देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ।